नमस्कार दोस्तों, कुसुम बलबीर पहाड़ी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग हैं अभी अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा ज़िले में एक सुंदर सा मंदिर है, जो मंदिर आप लोगों ने पहले देखा भी होगा, और मैं उसके दर्शन कराने जा रहा हूं आप लोगों को। बहुत सी अच्छी जगह पे बना हुआ और पूरे पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ में बना हुआ है मंदिर है, और आज से नहीं, ये मतलब सदियों से चला हुआ मंदिर है, जिसका नाम है कसार देवी मंदिर, कसार देवी टेम्पल, जो कसार देवी में है। यहाँ का नाम भी पूरा क्या है, कसार देवी है। और यहाँ और बताया जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद जी पूरे भारत भ्रमण में थे, तो उन्होंने उत्तराखंड की भी भ्रमण, उत्तराखंड का भी भ्रमण किया था, जैसे अल्मोड़ा का भ्रमण किया था। यहाँ पे उन्होंने कसार देवी मंदिर का दर्शन किए, और यहाँ पे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया था, कुछ टाइम के लिए रुके हुए थे यहाँ पे, और यहीं पे बौद्ध धर्म का भी एक गेस्ट हाउस है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि बौद्ध धर्म के गुरु, जो तिब्बतन बौद्ध धर्म के गुरु होते हैं, जो लामा, उन्होंने भी यहाँ पे दर्शन किए थे। और यहाँ से देख सकते हैं आप बाहर का व्यू, ये बहुत ही अच्छी जगह में है, और ये ऊपर से दिख रहा है, ये रोड जहाँ से हम लोग आए थे, ये दिख रहा है नीचे साइड। और यहाँ ऊपर में भी मंदिर है, अभी दिखाते हैं कौन सा मंदिर है यहाँ ऊपर। और ये सामने पे जो मंदिर है, जो कसार देवी का जो टेम्पल है, ये वाला है सामने वाला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उधर? अरे तुम इधर आओ भैया, डिस्ट्रिक्ट बाद में और इस मंदिर को पौराणिक तरीके से बनाया गया है। ये है शिव मंदिर, यहाँ पे अंदर शिव मंदिर है, यहाँ पे बाहर में नंदी है, और ये बाहर का देख सकते हैं, ये पत्थरों से बनाया गया पूरा मंदिर है। इस पर कुछ भी सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है, पूरे जो भी देखेंगे यहाँ पे, जो छोटे छोटे मंदिर हैं चाहे बड़े मंदिर हैं, यहाँ पे पत्थरों से बनाए गए हैं। और जो रहने के लिए जो कमरे वगैरह होंगे वो तो सीमेंट से हैं, बाकी ये पत्थरों से बनाए गए मंदिर हैं, पूरे पौराणिक तरीके से बनाए गए हैं। जो बाहर का भी देख सकते हैं, जो प्रांगण भी है, इसी प्रकार से पत्थरों से बनाया गया है पूरा, यहाँ पे सीमेंट का यूज़ बहुत कम कर किया हुआ है। और ये सामने देख सकते हैं व्यू, बहुत सी अच्छी जगह, सुंदर सी जगह दिखती है यहाँ से। और ये नीचे हम लोग अब नीचे मंदिर के लिए जा रहे हैं, जो कसार देवी जो टेम्पल है, मेन टेम्पल है, यहाँ पे माता का मंदिर है, ये यहाँ से नीचे है, और यहाँ से दिखता है, ये देख लो, यहाँ से नीचे यहाँ पे होगा 100 मीटर नीचे पे, यहाँ पे कसार देवी का मंदिर है। और जो मैं सेल्फी पॉइंट बोल रहा था, यहाँ पे सब लोग सेल्फीज़ वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। यदि आप लोग यहाँ पे जब भी आते हैं, तो यहाँ पे अनेक प्रकार की गुफाएं बनी हुई हैं, जिनमें कि सब लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई लोग तो कई या महीनों तक यहाँ पे रहते हैं। ये मेन मंदिर है कसार देवी का, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो हमारे साथी भी हैं, कुछ लोग ऊपर के दर्शन नहीं किए, तो सब ऊपर जा रहे हैं पहले, और फिर यहाँ से नीचे दर्शन करने के बाद हम नीचे निकल जाएंगे। ये सामने पे मैं खड़ा था अभी, यहाँ से मैं कसार देवी का जो पिक पॉइंट से मैं पूरा व्यू ले रहा था इधर उधर का। और ये देख सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से, ये है मेन मंदिर यहाँ पे कसार देवी का टेम्पल। और यहाँ पे हर जगह, जो मैं गुफाओं की बात कर रहा था, तो हर जगह गुफाएं बनाई गई हैं ध्यान केंद्रित करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहीं पे भी ध्यान केंद्रित किया था, और जो लामा हुआ करते थे, उन्होंने भी यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया है। ये मेन मंदिर है, दर्शन करने के बाद हम लोग अब नीचे निकल रहे हैं, और जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान केंद्रित किया है, वही जगह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और कितने टाइम तक ये रुके यहाँ पे। बताते हैं कि कई टाइम तक यहाँ पे रुके हुए थे स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने यहीं पर ही ध्यान केंद्रित किया है। जो ये नीचे जा रहे हैं ये लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर ही इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ये जगह, ये है वो जगह। अभी यहाँ पे बैठने के लिए पूरा मतलब गुफा टाइप की बनी हुई है, नेचुरली बनी हुई ये गुफा है। और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं नीचे के लिए, और माँ कसार देवी के दर्शन करने के बाद सीधा हम नीचे निकल जाएंगे, और फिर जहाँ पे हमने होटल ले रखा वहाँ पे पहुँच जाएंगे हम लोग। और ये बाहर का दृश्य, और बाहर जो बनाया गया है यहाँ पे, जो प्रांगण है कसार देवी का, इस प्रकार से है। अब बाहर से ऐसा दिखता है, ये सामने बहुत सी मतलब अल्मोड़ा यहीं से दिख जाता है, सामने अल्मोड़ा है, और बहुत सारे गाँव वगैरह यहाँ के हैं इस प्रकार से।
हम लोग अब रोड पर पहुंच चुके हैं और रोड से आप निकल जाएंगे। हमारी गाड़ियां ये लगी हुई हैं, 3-4 गाड़ियां हमारे पास यहां पे, जो लोकल टैक्सी हैं हमने हायर कर रखी हैं। और यहां से आप होटल के लिए हम निकल जाएंगे यहां पे, और होटल का दृश्य भी दिखाऊंगा आप लोगों का, कहां पे हमने लिया है। एक रिजोर्ट है कसार देवी का रिजोर्ट, इसका नाम भी कसार देवी टेम्पल के। यहाँ पे इस प्रकार से रूम बनाए गए हैं, पूरे मतलब डॉर्मेट्री टाइप के रूम हैं पूरे। और यहाँ पे ये हमारा पूरा केबिन हमारा है, ये एक ही रूम है, यहाँ पे 4 या 5 लोग रुक सकते हैं। अब बाहर से इस प्रकार से दिख सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं आप लोग। और ये है बाहर का व्यू, और अंदर का व्यू भी मैं दिखाऊँगा अभी कैसे कैसे अंदर का व्यू। और ये है टॉयलेट्स वगैरह अंदर हैं, जो सेपरेट्स वगैरह बने हुए हैं, टॉयलेट्स और वाशरूम या नहाने के लिए बाथरूम वगैरह सब यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधाएं कर रखी हैं। यहाँ पे होटल तो यहाँ पे पर काफ़ी कॉस्टली भी हैं होटल, और सस्ते भी हैं होटल यहाँ पे, ज़्यादा महंगे भी हैं और सस्ते लेना चाहिए तो कोई सस्ते भी हैं। अब देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा नीचे से फर्श और इधर दीवार वगैरह पूरे लकड़ी से बनाया गया है। और हम लोग यहाँ पर हैं 6 लोग रुके हुए हैं हम यहाँ पर इस रूम पर। हमारा साथी यहाँ पे डांस कर रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए रात की। और आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। और यदि वीडियो पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।